नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टेडिया एकेडमी में स्वागत है। आज आपके लिए जो जानकारी मैं बताने वाला हूँ, ये जानकारी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण रहेगी। ये जानकारी महत्वपूर्ण इसलिए रहेगी क्योंकि आप सभी को पता होना चाहिए कि आपके जो इस भर्ती में कितने फॉर्म भरे गए। उसी अनुसार बच्चे क्या करते हैं, पेपर देने जाते हैं, उसी अनुसार देखते हैं कि मैं पेपर देने जाऊँ या ना जाऊँ, क्या करूँ क्या नहीं करूँ। तो अब आपको जो है मैं जानकारी बता रहा हूँ, ये हेल्पफुल होगी और सभी विद्यार्थियों को मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक, क्योंकि कल सभी का एग्ज़ाम है। ठीक है, 4 तारीख से एग्ज़ाम शुरू होंगे, 4 सितंबर से। तो चलिए पूरी जानकारी आपको बताऊंगा। 3 सितंबर की ये महत्वपूर्ण अपडेट है आज ही के अखबार की। तो यहाँ पर देख सकते हैं जानकारी, आपकी बिजली कंपनी में भर्ती के लिए परीक्षा 4 सितंबर से। तो 4 सितंबर से आपकी परीक्षा आयोजित की जाएगी, जिसमें इंजीनियर सूचना सहायक समेत 6 अलग अलग 1075 पदों के लिए 1 लाख से ज़्यादा आवेदन आए, 1 लाख से ज़्यादा आवेदन आए आप देख सकते हैं। खबर है जोधपुर नवज्योति से, राजस्थान में 5 बिजली कंपनियों में निकाली भर्ती के लिए ऑनलाइन परीक्षा 4 सितंबर से शुरू होगी। इसके लिए गुरुवार से विभाग की वेबसाइट से कॉल लेटर, यानी कि जो गुरुवार था निकल गया, गुरुवार उसकी बता रहा हूँ, की वेबसाइट से कॉल लेटर डाउनलोड करने और मॉक टेस्ट की सुविधा शुरू कर दी गई है। तो यहाँ पर आप मॉक टेस्ट देना चाहते हो तो मॉक टेस्ट भी अभी दे सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं, मॉक टेस्ट चालू कर दिया है। ठीक है, टेक्निकल और नॉन टेक्निकल के पदों पर भर्ती के लिए 4 से 12 सितंबर तक अलग अलग फेज में एग्जाम होंगे। तो 4 तारीख से 12 सितंबर तक अलग अलग फेज में एग्जाम होंगे। 5 बिजली कंपनियों में इंजीनियरिंग और नॉन टेक्निकल अधिकारी के पदों पर भर्ती के लिए राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम ने इसी साल 24 फरवरी से 16 मार्च तक आवेदन मांगे थे, जिनमें कुल 1075 पद थे। कितने थे, 1075 पदों के लिए 1,04,044 आवेदन आए हैं। कितने आवेदन आए मित्रों, 1,04,044 आवेदन आए हैं 1075 पदों के लिए। तो ये ऑफिशियल जानकारी थी, ऑफिशियल अपडेट है। यदि जानकारी पसंद आई है तो इस जानकारी को अपने मित्रों के साथ भी शेयर करें। धन्यवाद मित्रों, ऐसी अपडेट आपको हमेशा मिलती रहेगी। और जो अलग पद है, जो अलग है और भी वैकेंसी है आपके LDC वगैरह की, इनकी उनकी भी मैं बताऊंगा जल्दी आपको कि कितने फॉर्म भरे गए हैं। ऐसी सारी अपडेट आप तक हमारे द्वारा समय समय पर अपडेट की जाती है। धन्यवाद मित्रों, मैं मिलता हूँ कोई नई अपडेट के साथ।